हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिठू को बना के राम राम और नमस्ते भाई। मैं हाल फिलहाल भाई बादल विधानसभा के देवर खाना का मखड़ा हूँ और न मान लो चुनावी सरगर्मियाँ चल रही हैं और एक महीना रह गया इलेक्शन का, एक महीने तो शायद कम रहेगा टाइम। पर आज जो मौसम की गर्मी थी वह ठंडी होगी क्योंकि बारिश होगी है और मेरे साथ जो नौजवान साथी है जिनमें भाई उबड़ता खून है बादल विधानसभा में जो इलेक्शन नेशनल लेक है और ये मेरे साथ नौजवान साथी खड़े हैं, इन तो बात करवाना चाहूँगा कि अब की बार ये विधायक किसी ने देखना चाहूँगा। मैं हाल फिलहाल देवर खाने गांव में हूँ तो भाई साहब एक बार आओगे आगे। राम राम भाई जी। नमस्ते भाई साहब। शुभ नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम संदीप है भाई साहब। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा जी, अब की बार चुनाव है वो जी फसम फसा रहे, मतलब टिकट लेगा बड़ी लड़ाई हुई जी जी, तो जो टिकट मिली है कांग्रेस की तरफ तय कुलदीप ने और भाजपा पार्टी मिली है श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जी, तो क्या लग है कौन विधायक होना चाहिए आपके साथ? देखिए भाई साहब, मैं पहले मितु भाई आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप इतना बढ़िया ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हो आप, ना कि किसी भेदभाव में, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट आपकी। अच्छा, इसके अंदर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, मेरा पर्सनल सवाल है। पर्सनल क्या, मेरा पूरा 24 का अपने सभी से जुड़ा हुआ सवाल है। इसके अंदर ये बात है, देखिए 24 की बात, 24 जैसे कि अपना गुड़िया खापका हो गया, ठीक है ना, इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ मैं। अभी दरअसल क्या था, थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे कुछ जो प्रिय हैं, जो नेता हैं, सभी हैं, कोई बात नहीं है, वे उठना चाह रहे थे, जनता में अपना प्रचार रखने की बात कर रहे थे। उसके अंदर क्या था, तब तो पहले कोई था नहीं, यानी कि जैसे संजय कबलाना हो गए, उन्होंने टिकट मिलेगी बीजेपी से जो कि अलका बेरी है, और जो कैंडिडेट थे, अभी क्या रह गया, अभी इसमें रह गया जो एक नेता है जिसका नाम आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, जिसका नाम अजीत ठेकेदार बादली है। उन्होंने काफ़ी काम करा रखे हैं और करा रखे हैं, मैं उनकी प्रशंसा नहीं करता, उनको छोड़ देता हूं मैं दरअसल मेरा ये कहना है गुड़िया खाप को, क्योंकि ये इन्हीं के ऊपर दिलदारी है, गुड़िया खाप के ऊपर इनका कोई वजूद नहीं है इनके बगैर। अगर गुड़िया खाप इनको आशीर्वाद देता है, प्रजातंत्र, देखो ये तो एक बात है, प्रजातंत्र का मौलिक अधिकार है जी, वोट मांगना और वोट देना, वो सब क्या अपने खिलाफ है, वो कोई बात नहीं होती जिनके, भाई मैं भी इलेक्शन में उठ सकता हूँ, आप भी उठ सकते हो मित्र भाई, पर उन बातों को हम एक तरफा करके हम ये चाहते हैं, एक अभी कोई कैंडिडेट नहीं है बादली हल्के मुगुड़िया खाप का, हाथ जोड़ के सभी YouTube चैनल को जो भी है मेरे दर्शक देखने वाले या आपके चाहने वाले जो आप करें। मैं रोकना चाहूँगा, मैं आपसे एक सीधा सीधा प्रश्न करना चाहूँगा कि जो विधायक थे 5 सालों पर प्रकाश धनखड़ की बात बात है, अब 5 साल कांग्रेस थे डॉक्टर कुलदीप रहे, तो उनके राज में क्या काम नहीं हुए जो अजीत सिंह गुलिया जी करवा देंगे? देखिए आपकी बात को मैं प्रथम करता हूँ, अभी इसके अंदर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ भाई साहब, क्योंकि अभी कुलदीप 5 साल के लिए MLA थे, जो कि आपने दौरान देखा होगा, क्योंकि आप भी ग्राउंड रिपोर्ट रखते हो आपके पास, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इसके अंदर क्या था सर, इसमें जो कुलदीप ने अपना पूरा टर्म प्लान 5 साल का जो कार्यकर्तृत्व किया है, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये था, वो बोल देते थे भाई हमारी सरकार ही नहीं है, हम तो काम कर ही नहीं सकते, क्या करेंगे आपके लिए, तो हम ये नहीं चाहते दोबारा फिर यही बातें दोहराए जाएं। फिर मैं आपने रोकना चाहूँगा जी जी बिल्कुल, अब की बार भी टिकट उनको ही मिली है, अगर ये बात अब की बार अगर अजीत सिंह गुलिया जी जीत जाए, अगर उनके पास कोई अपनी डिमांड लेके जाए, तो वो अगर ये बात बोले तो फिर? देखिए सर, आपकी बात सर्वप्रथम मैं रखता हूँ, ठीक है ना, इसके अंदर भी एक बात है, अगर हम इनको टिकट नहीं मिली कोई बात नहीं, जाना तो इनको कांग्रेस के पास है, इन्होंने खुद बोला हुआ है, जो भी कांग्रेस की हमें जो सीट मिलती है हमें नहीं देते टिकट, वो अगर मैं जीतता हूँ तो जो कांग्रेस की जो 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 ये जीत है मैं उनकी झोली में डालूंगा, ठीक है ना, तो ये बात कन्फर्म है, ये जीतने के बाद ही कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ये धरातल से जुड़े हुए आदमी है। दूसरा क्या है, कुलदीप का ठीक है बढ़िया नेता है, पर उन्होंने ऐसा कोई बढ़िया काम किया नहीं, आप ग्राउंड रिपोर्ट रखो, उनका कोई वजूद है नहीं इस मामले में। अच्छा, तो मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितना भी 101 दान अगर ये गुड़िया खाप इनका अपने बच्चे के सर पे हाथ रख देंगे ना, तो इन्हीं को कोई जरूरत नहीं किसी प्रकार की, ठीक है ना, इनकी जीत सर्वप्रथम इन्हीं की है जी, जी बिल्कुल जी।
राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम भाई जी? मेरा नाम हरपाल है भाई, मैं हरियाणा स्टार का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ भाई। हम अजीत सिंह ठेकेदार गुड़िया को अपना पूरा मेले देखना चाहते हैं भाई। क्यों? और भी तो विधायक भाई, और भाई विधायक हैं भाई। देखो हम किसी की भाई हम किसी की निंदा नहीं करते, वे बेशक मंत्री रहे हैं, लेकिन जो काम इन्होंने करे ना वो काम भाई उन्होंने एमएलए रह कभी नहीं करे। काम करते जैसे कि भाई ना लड़कियां थी कॉलेज में बस लगाई है भाई, जो गली थी मारे मंदिरा की उनमें गोड्डा गोड्डा पानी था, इसने वे गली बनाई है। जो भी मतलब धर्म का कार्य है ना वो इसने बढ़ चढ़ कर कराया भाई, बिगर मंत्री बने मंत्री बनते पहला करवाते काम, मंत्री बनने के बाद नहीं करवाओ भाई। वो भी आगे के लिए देखी जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आखिर काम नहीं करेगा, करेगा भाई काम पूरा कति दिल तक करेगा। हाँ धन्यवाद भाई, बताओ। अच्छा भाई साहब एक बात और रखना चाहता हूँ, हमारे कुल देवता है वे है बाबा मोहनदास बादले जी, जो कि हमारे गांव के आसपास लगते हैं। अच्छा उसमें क्या हुआ एक्चुअल, वो जो मंदिर की जो गली थी 5 साल अपने वे रह गए, अपने जो ओम प्रकाश धनखड़ है वत्स से पहले और फिर आगे वत्स।